नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। 2019 में होने वाले आम चुनाव को लेकर देश की जनता अपना भरोसा किस दल पर सबसे ज्यादा जताएगी, इसका पता चलने में तो अभी काफी वक्त है। लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की हर संभव कोशिश करने में लगी हुई है। इन सबके बीच इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार जनता के बीच जाकर उनसे बात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार के चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है और इस बार जनता कौन कौन से मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवार को चुनेगी। सरकार से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग है, सरकारी कर्मचारी इनसे तंग है, किसानों के साथ अत्याचार हुए। इनका काम है आलोचना करना और सिर्फ आलोचना करना। 17,000 स्कूल इन्होंने बंद करके और वही जो 17,000 स्कूलों में शिक्षक थे उनको वहाँ मिलकामेशन कर दिया। जो आदमी खाद्य सुरक्षा में है पहले से उसी को इसका लाभ मिलता है, भामाशाह कार्ड से किसी को कोई स्वास्थ्य बीमा लाभ नहीं मिलता। विधानसभा में आके बीजेपी का कैंडिडेट जीत के जाता है तो हम यहाँ पे सरकारी कॉलेज देंगे, ये कैसा है? सबका साथ सबका विकास। जो पीने के पानी की समस्या थी उसके लिए इन्होंने कहा था कि करूंगा, लेकिन अभी तक 4.5 सालों में ये तीनों घोषणाएं नहीं। राजस्थान के रण को जीतने के लिए एक तरफ जहां पीएम से लेकर सीएम तक जनता के बीच जाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी भी कुछ ऐसी ही कवायद कर रही है। वहीं इन सबके बीच इंडिया न्यूज की टीम शेखावटी के फतेहपुर पहुंची और वहां के लोगों से बात करके उनका मूड जानने की कोशिश की। देश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस चुकी हैं और अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गई हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही हैं क्योंकि कुछ महीने में ही राजस्थान में चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस संकल्प रैली के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश में किस तरीके का राजनीतिक माहौल बन चुका है और क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए हम शेखावाटी के फतेहपुर में मौजूद हैं और फतेहपुर के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से लीडरशिप को देखते हैं, कौन उनका पसंदीदा नेता है और इस चुनाव में उनके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि सरकार का दावा है कि उन्होंने विकास किया है लेकिन विकास धरातल तक कितना पहुंचा है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास की बात सरकार द्वारा की जा रही है और दावा है कि विकास हुआ है और बीते 50 सालों में जो विकास नहीं हुआ था वो बीते 4.5 सालों में हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, इस बीजेपी सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और इस सरकार से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग है, सरकारी कर्मचारी इनसे तंग है, किसानों के साथ अत्याचार हुए, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी महिलाओं के साथ भी काफी बलात्कार की घटना हुई है और जैसे कि शिक्षा को निजीकरण किया, पीपी मोड पे दिया, चिकित्सा को भी पीपी मोड पे दिया, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि कल को हमें पीपी मोड पे नहीं दे, इससे और इस सरकार के खिलाफ और क्या टिप्पणी हो सकती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस क्षेत्र की जो बात है उसके साथ साथ बात करेंगे, इन्होंने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से सरकार जो प्राइवेटाइजेशन पर जा रही है, लेकिन उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान? देखिए, ये इनका धर्म है, इनको सरकार की कोई अच्छी बात दिखेगी भी नहीं। इनका काम है आलोचना करना और सिर्फ आलोचना करना। अगर वास्तव में आप आंकड़े उठाकर देखें, और आंकड़ों की बात नहीं करता मैं, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमने जितनी नियुक्तियां की है, जितनी नियुक्तियां प्रक्रिया में है उनको आप देख लीजिए, डॉक्टर्स की जो भी स्थिति है उनको देख लीजिए, जहां तक नहीं हमने तकरीबन 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। आपकी सरकार गई तब आपने 50% खाली थे शिक्षकों के पद, हमने उसको लाकर 2% में की है। बीच में हर बात का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, आपका नंबर है, आप बोल लेना। एक और बड़ी चीज थी जिस तरीके से शिक्षा की यहाँ पर बात आई है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, जब राजस्थान 26वें पायदान पर होता था, लेकिन जिस तरीके से नवाचार हुए हैं, जिस तरीके से काम हुए हैं, उसके बाद दूसरे स्थान पर आया। शिक्षा की आपने बात की, लेकिन 26वें पायदान से दूसरे पायदान में देश में राजस्थान का नाम आया, इस पर क्या कहें? देखो, राजस्थान का नाम 26वें पायदान पर आया है, ये सिर्फ कागजों में आया है, धरातल पे नहीं है। राजस्थान में शिक्षा के मामले में 17,000 स्कूल इन्होंने बंद करके और वही जो 17,000 स्कूलों में शिक्षक थे उनको वहां मिलकामेशन कर दिया।
निजीकरण कर दिया, उनके साथ में मिला दिया कि आप इस स्कूल में जाओ, ये बंद कर दो और वो स्कूल में चले जाओ, वो बच्चे भी उस स्कूल में उठा के उसमें लेके चले गए। यही इन्होंने किया, और शिक्षा के मामले में इतना कुछ नहीं किया, सिर्फ कागजों में इन्होंने आंकड़ा बनाया कि हमने ये कर दिया ये कर दिया। आम पब्लिक के पास आप जाओ, कि आम पब्लिक के पास आप जाओगे तो यही मिलेगा कि हर रोज हमें कागज लाया जाता है कि कागज लाओ कागज लाओ कागज लाओ, करने का एक कुछ नहीं है। निःशुल्क दवा योजना थी, चिकित्सा केंद्र माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने चालू की थी, उसमें से ज्यादातर दवाएं इन्होंने बंद कर दी है, कुछ थोड़ी बची है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास जो बीजेपी के राज में हुआ है उसको बताने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से भी है, और चुनावी समय आ गया है तो दोनों के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है? सर, इनके दावों की हकीकत यह है कि महारानी जी की सबसे इम्पोर्टेंट योजना थी भामाशाह कार्ड। आप एक सिंगल आदमी मुझे बता दो, मैं आपको लाखों ऐसे लोग बता दूंगा जिनके पास भामाशाह कार्ड और उनको एक रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं मिल रही है। पहले अशोक जी गहलोत के टाइम में खाद्य सुरक्षा एक स्कीम थी जिसमें वो सारे लोग थे वो उसके पात्र थे, खाद्य सुरक्षा में जितने भी लोग थे। अब इन्होंने उस खाद्य सुरक्षा को सिर्फ भामाशाह से जोड़ दिया, और जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है और उनके पास भामाशाह कार्ड है, एक सिंगल आदमी राजस्थान में आप मुझे बता दो जिनके पास भामाशाह कार्ड है और उसको ये उसका स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता हो, एक सिंगल आदमी मुझे बता दो। जो आदमी खाद्य सुरक्षा में है पहले से उसी को इसका लाभ मिलता है, भामाशाह कार्ड से किसी को कोई स्वास्थ्य बीमा लाभ नहीं मिलता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अगर इसमें आपको ऐसा लगता है तो आप जिनसे पूछना चाहो पूछ लो, मैं आपको 1000 क्या 1 लाख आदमी यहाँ गिना दूंगा जिनके पास भामाशाह कार्ड है और उनको ये स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलता। सरकार का कहना है कि अपराध बीते 4.5 सालों में हर साल निरंतर घटा है, लेकिन जिस तरीके की बात इन्होंने कही है वो भी सोचने का विषय। लेकिन एक और बड़ी चीज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 15 लाख नौकरियों का दावा और वादा किया था, और 15 लाख नौकरियां वो दे चुकी हैं, और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ में अगर जोड़ा जाए तो 40 लाख नौकरियां इस राजस्थान में मिल चुकी हैं। क्या कहेंगे, सरकार का दावा है 40 लाख लोगों को रोजगार उन्होंने उपलब्ध कराया। रोजगार में भ्रष्टाचार कितना है, कितनी भर्तियां ऐसी है जो बीच में लटक जाती हैं और युवा है वो दर दर भटकते हैं। अभी शिक्षा की बात चली थी, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जैसे सुराज संकल्प योजना यात्रा लेके मैडम यहाँ पे आई थी 5 साल पहले, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे सरकारी कॉलेज हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, और 4 महीने पहले यहाँ पे जनसंवाद करके गई है मैडम, और वो कहती है कि अगर बीजेपी की जो विधानसभा की टिकट अगर विधानसभा में आके बीजेपी का कैंडिडेट जीत के जाता है तो ही हम यहाँ पे सरकारी कॉलेज देंगे। ये कैसा है, सबका साथ सबका विकास है। कहीं ना कहीं एक और बड़ी चीज मुख्यमंत्री राजे अपने भाषण में भी जिक्र करती हुई आई है कि आज जिस तरीके से किसान हो, बेरोजगार युवा हो या फिर जो महिलाएं हो, उनकी आवाज कांग्रेस उठा रही है। लेकिन 4.5 साल तक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत कहाँ थे, कांग्रेस कहाँ थी, ये एक और बड़ी चीज है। क्या चुनावी समय आते ही दोनों ही पार्टियों को ये याद आ जाता है कि जनता परेशान है, जनता के बीच पहुंचने की आवश्यकता है? पिछली बार भी ये मुख्यमंत्री इसी कॉलेज में आई थी और उन्होंने सरकारी कॉलेज की घोषणा भी की थी, पानी निकासी की और यहाँ जो पीने के पानी की समस्या थी उसके लिए इन्होंने कहा था कि करूंगा, लेकिन अभी तक 4.5 सालों में ये तीनों घोषणाएं नहीं हुई है। सरकारी कॉलेज की बात तो ये है कि यहाँ का जो विधायक निर्दलीय है वो यहाँ का एक सेठ साहूकार है, उन्होंने जमीन देने की और बिल्डिंग बनाने के लिए भी सरकार को लिखित में सारा बायोडाटा दे दिया था, सारी जो एस्टीमेट बना के दे दिया था कि हम सब बना के दे देंगे, आपको तो केवल कॉलेज की घोषणा करनी है, सब हम दे देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं सरकारी कॉलेज यहाँ पे पिछली बार कहा था खोलूंगी, इस बार कहा नहीं खोलूंगी, इसलिए युवाओं में तो आक्रोश है। देखिए एक और बड़ी चीज, जिस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे पिछले चुनाव में भी यथावत थे और आज भी यथावत हैं, सरकार का पूरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है लेकिन वो मुद्दा जस का तस है। लेकिन एक और बड़ी चीज है, लीडरशिप अपने आप में काफी इम्पैक्टफुल चीज होती है, और राजस्थान में बीजेपी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि यहां पर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी। लेकिन कांग्रेस अभी अधर झूल में है, उनके पास कई नेता हैं, कई नेता दावा कर रहे हैं कि उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन क्या जनता को कब आप बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लीडरशिप लैप्स की वजह से भी कई बार चुनाव हारा जाता है। कांग्रेस लोकतांत्रिक में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस जितने भी विधायक जीत के आए
वो ही अपना नेता चुनेंगे। हमेशा से आता हुआ आया है कि जब भी कांग्रेस के एमएलए चुन के आते हैं, वो एमएलए को बैठा दिया जाता है कि भी आप नेता चुन लो और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बीजेपी तो सामंत से ही पार्टी है। क्या अगर इस तरीके की स्थिति रही, क्योंकि अभी जो टकराव की स्थिति कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, चाहे अशोक गहलोत का खेमा हो या सीपी जोशी का और सचिन पायलट का, तीनों में टकराव की स्थिति है। हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल निर्दलीय विधायक विजयी हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें तो लगातार कई दशकों से कांग्रेस यहां पर काबिज रही है और बीजेपी के लिए ये अपने आप में चुनौती रहा है, और एक ही बार आजादी के बाद एक बार ही बीजेपी इस सीट पर काबिज हो पाई है। निश्चित रूप से कांग्रेस का माइंडसेट और कांग्रेस यहां पर हावी रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने कभी भी कहीं पक्षपात नहीं किया, लेकिन यहां के जनता के दावे कुछ और हैं। बात करेंगे बड़े चुनाव की, आम चुनाव 2019 की, और उस चुनाव में भी अब काफी कम वक्त रह गया है। दोनों तरफ से खींचतान जारी है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और पीएम के लिए प्रेजेंट भी किए जा चुके हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता भाजपा के हैं और उन्हीं के बलबूते पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों की अगर तुलनात्मक बात की जाए तो यहां के लोगों से बात करेंगे। एक और राहुल गांधी है जिन्हें अभी तक कांग्रेस से लेकर हर पार्टी अपरिपक्व नेता मानती है, एक और नरेंद्र मोदी है। कैसे आप चुनाव में डट पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने? नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी पिछले 7-8 सालों से डटा हुआ है, और आप देख रहे हो 7-8 सालों में कहीं जीत हासिल नहीं हो पाई, 22 राज्यों में लगातार हार मिली। पंजाब जीत के हैं ना, अभी तो पंजाब जीत के हैं, अभी शुरुआत है। अभी देखो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दो स्टेट और, उनमें चुनाव आ रहे हैं। 500 के 500 राजस्थान में कांग्रेस जीत के आएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत के आएगी। वो एक बमंडर था, झूठ का बमंडर था, कि झूठ बोल बोल के जनता को भड़का लिया। जनता, हिंदुस्तान की जनता भावनात्मक होती है और उस भावना में बैगी। अभी जनता को उसका झूठ का सामने पूरा भांडा फूट गया। अभी लोग राहुल गांधी में विश्वास जताने लग गए, और अभी देखो दिन दिन जिस दिन चुनाव आते हैं, पंजाब जीत गई, अभी देखो राजस्थान जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगी, छत्तीसगढ़ जीतेगी, और जो जो चुनाव आते जाएंगे, जो जीते 2019 तक फुल मेजोरिटी में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस को मुक्की ही खानी पड़ी है। अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, और अगर ये जो 2019 का चुनाव के पहले जो ये 3-4 राज्यों के अंदर चुनाव आ रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी परीक्षा राहुल गांधी की होगी। अभी तक राहुल गांधी अपना जो शो नहीं कर पाए कि उनमें कितना मादा है राजनीति में, इस पर कैसे देखते हैं, क्योंकि सामने एक मजबूत नेता है और राहुल गांधी हमेशा इसीलिए कमजोर पड़ते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल मजबूत नेता है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल बहुत अच्छे पढ़े लिखे हुए। मोदी तो शुरू से ही बचपन से झूठ बोलता है। मोदी का इंटरव्यू देखो, खुद उसने कहा मैं तो हायर सेकेंडरी पास नहीं हूं, और अभी वो बीए की डिग्रियां दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, जो एक देश का प्रधानमंत्री है। और वो कहता मैं भ्रष्टाचार को रोकूंगा, अभी आप देख रहे हैं रफाल के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया है अंबानी, रिलायंस ग्रुप को कितने बड़ी देश के साथ धोखा किया है, तो इससे बड़ा कितना, और माल्या जो देश छोड़ के भाग गया कितना, और यहाँ किसानों का कर्ज। कई मुद्दे नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर हैं, लेकिन लीडरशिप की हम बात करेंगे, क्योंकि मोदी वर्सेस राहुल ये मुकाबला होने जा रहा है। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को, मोदी वर्सेस राहुल ये मुकाबला होगा? देखिए, देश सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। मेरा तो ये कहना है कि मोदी वर्सेज राहुल गांधी कोई मुकाबला है ही नहीं। मोदी जी के सामने राहुल गांधी का जब भी नाम आता है, मैं नहीं कहता, पूरा देश देख लीजिए, आप पूरा मीडिया सुन लीजिए, लोग उस बात को हंसी में ले जाते हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि साहब हम जीत की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, साहब 22 चुनाव हारने के बाद में ये कहता साहब हमने एक जीत लिया, बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर ली। तो मुकाबला है ही नहीं एक ऐसे आदमी की जिसकी बात का विश्वास नहीं करते लोग, बात सुनकर हंसते हैं, ऐसे आदमी का क्या मुकाबला, वो भी नरेंद्र मोदी से। कोई मुकाबला नहीं है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः 2019 में बनेगी। और एक और निश्चित रूप से मुकाबले की बात यहाँ आई है, लेकिन युवा भी हमारे साथ हैं, युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अपनी अपनी पार्टियों के सर्वमान्य नेता हैं, 2019 का चुनाव उन दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक राहुल की कोई परफॉर्मेंस लोगों तक नहीं आ पाई है। जी देखिए, वो तो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक ये है कि जो पार्टी या जो नेता युवाओं के लिए या विकास कार्य जो करेगा, वो अगले आगामी चुनाव में 2019 में वो जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे कई हैं कि उन्होंने जिस तरीके से जो विकास पूरे देश में किया है और जो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश सरकार ने की है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हुआ है।